जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका सुहाग बनाए रखे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन भोजन कर लो। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने के बाद अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, नगर से बाहर जाकर अग्नि जला और उसमें छलनी से प्रकाश दिखाते हुए कहा, बहन यह देखो चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपने भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु वे उनके कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर उसने उत्तर ना दिया और ना ही उनका ध्यान दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत भंग हो गया और गणेश जी उस पर नाराज हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत ही बीमार हो गया। जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरम्भ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित भाव को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य होने का वरदान दिया। धन युक्त और संपत्ति से भर दिया उसके घर को। इस प्रकार जो भी छल कपट और त्याग कर श्रद्धा भक्ति चतुर्थी का व्रत करते हैं वो सभी प्रकार के सुखों और कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की दूसरी कहानी गणेश जी की। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगने नहीं आता सो कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंततः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि ये बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन क्यों मांगे नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसमें बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो वह मांग लूँ और मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मुझसे मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना।